हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जीन से बेबी गर्ल की डंगी। ये हमने 2 ईयर गर्ल के लिए बनाई है। इसके लिए हमने जीन्स ली है 36 साइज़ की। सबसे पहले हमने लेग पार्ट्स अलग कर लिए हैं, उसके बाद हम इसके सभी पार्ट्स जहां सीम लाइंस हैं वो अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने जीन्स की सभी सीम्स खोल ली हैं। क्योंकि ये छोटी गर्ल की डंगरी है इसलिए हम सीम्स खोलेंगे नहीं, उसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम घेर बनाएंगे। घेर के लिए लेंथ लेंगे हम 8.5 इंच। जीन्स के जितने पार्ट्स में से 8.5 आता है हमने पूरा लिया है। ये लगभग 17 इंच है जो कि 16 इंच तैयार आएगा हमारा। और ऊपर के पार्ट से हम बिब बनाएंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। वन लेग में से हमारा घेर और बिब बन जाती है। अब ये सेकंड लेग है, इसके भी दोनों पार्ट हम अलग कर लेते हैं। इस पार्ट्स में से सबसे पहले हम फ्रिल निकालेंगे 2.5 इंच। दोनों पार्ट्स में से फ्रिल लेंगे। ये हमारे पास स्कर्ट का घेर है 16 इंच। इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। ये हमने फैब्रिक फोल्ड करके जितना स्कर्ट का घेर है उतनी ही बेल्ट लेंगे। फ्रिल निकालने के बाद हमारे पास दोनों पार्ट इतने बचते हैं। अब इन्हें हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और फुल लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ से हम गैलिस निकालेंगे। हमें गैलिस के दो पार्ट चाहिए तो इसके हम सेंटर से कटिंग कर देंगे जिससे कि हमारे गैलिस के दोनों पार्ट आ जाएंगे। डंगरी के सभी पार्ट कट करने के बाद अब हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने बेल्ट और घेर को अटैच किया है। बेल्ट का भी हमने राइट साइड रखा है और घेर का भी हमने राइट साइड रख के स्टिच किया है। अब उसके ऊपर फोल्ड करके हम दोबारा से बेल्ट को स्टिच कर देंगे। इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। अब घेर पर हम बिब जोड़ेंगे। घेर कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचा था उसकी हमने पूरे की बिब ले ली है। बिब को हम 3 साइड से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। अब हम बिब को घेर के साथ अटैच करेंगे। हम इसमें दोनों का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और सेंटर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को रखते हुए अटैच कर लेंगे। बिब हमने नीचे रखी है, घेर ऊपर। अब ये हमारी बिब रेडी है। स्कर्ट में अब हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के बाद डंगरी के दोनों पार्ट रेडी हैं। पहले हम सीधा पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर एक पार्ट उल्टा करके रखेंगे और दोनों साइड से अटैच कर देंगे। ये हमने दोनों साइड से अटैच कर लिया है। अब डंगरी का हमारा इतना पोर्शन रेडी है। इसमें हमें फ्रिल लगानी है। फ्रिल के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था उसे हम वन साइड से फोल्ड कर लेंगे। डंगरी को हम सीधी साइड रखेंगे, उसके ऊपर उल्टी साइड से फ्रिल का फैब्रिक रख के अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम फ्रिल दे देंगे। अगर आपसे अच्छे से आती ना हो तो पहले आप आलपिन से लगा लें। हमने यहाँ चुनटे हल्की हल्की दी हैं। आप चाहें तो फॉर्क की हेल्प ले सकते हैं। फ्रिल लग के तैयार हो चुकी है। अब उसे हम सीधा कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए हम हमेशा सीधी साइड से एक स्टिच और देते हैं। ये देखिए फ्रिल रेडी है। अब हम इसमें गैलिस लगाएंगे। जो स्टेप हमने गैलिस के लिए ली थी उन्हें फोल्ड कर दें और वन साइड से स्टिच कर देंगे। इसे हमने दो साइड से स्टिच किया है। अब इसे हम सीधा करेंगे।
सीधा थोड़ा हल्के हल्के करेंगे, क्योंकि ये जीन्स का कपड़ा है, काफ़ी मोटा होता है, एकदम फोल्ड नहीं होगा। मैंने इसके लिए पेचकस का यूज किया है। सीधा करने के बाद हम किनारे से फिनिशिंग से निकाल लेंगे और तीनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब इसमें भी हम बिप का सेंटर पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हम पीछे की साइड की गैलिस रेडी करेंगे। पीछे की बिप में हमने गैलिस अटैच कर ली है। आगे की बिप में हम काज बनाएंगे, जिसके लिए हम 1 इंच का मार्क कर लेते हैं। सीन से साइड होते हुए हमने 1 इंच का मार्क करा है। इसमें बटन हम जीन्स के कपड़े पे ही तैयार करेंगे। हमने जीन्स के कपड़े पे स्पाइडर स्टिच करी है और उसे बटन में फोल्ड कर दिया है। काज के लिए सबसे पहले हम हल्का सा कट करेंगे। आगे की बिप में काज तैयार है और पीछे गैलिस पे हमने बटन तैयार किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत बटन है। ये बटन हमने मड़वा बटन बनाए हैं और इस पे हमने स्पाइडर स्टिच करी है। अगर आपको देखने हो बटन कैसे बनाए हैं तो नीचे हम इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम पॉकेट रेडी करेंगे। पॉकेट हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। अब इसके ऊपर हम एंकर थ्रेड से ही एम्ब्रॉयडरी से अटैच कर देंगे। ये भी एक तरह से काज स्टिच ही है, जिससे हम इसे रेडी करेंगे। अब इस तरह से हमारी डंगरी रेडी है। आप इसमें कोई और भी डेकोरेट कर सकते हैं। किसी भी तरह से डंगरी को आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये देखिए डंगरी रेडी है।